तोमरी कैलाश को तुमको स्वागत प्रिय। रागी की तो जाई थिली परंतु आपण को बिना रही पारिलिनी। मोर प्रत्येक मुहूर्त यही मुहूर्त अपेक्षा बीतुला जे केबे आपण मते डाकिबे आउ मु फेरी आसिबे। आउ शेषरे आपण मते डाकि आणिले आउ तमे चाली आसिलो। हाँ परंतु एक कौतूहल अच्छी मनरे आपण एते सहजरे मो प्रस्ताव को केमिति स्वीकार करिनेले। संबंधर सम्मान महत्वपूर्ण होइथाय पार्वती अनुबंध नुह। तुमे कैलाश दूरे रुह एहा मते कदापि स्वीकार्य नुह। प्रति इत्ते भल पाइबा अतीब तुमको अजोग्य कही तुम मन को दुख देची सेथिपाई क्षमा मागुची मु। ताकु विस्मृत रहिबाकु दियंतु महादेव। से घटना नदी जलर एक धारा थिला आसिला आउ सीधा बहिगला। धारा ना कोठी अटके ना द्वितीय थर देखा जाए। ताकु स्मृति रे काहिंकि रखिबा अजोग्य हेले मध्य मो शिवंकर शक्ति नामु एतिक ही मो पाई जथेष्ट। आउ मो शर्त को स्वीकार करिबा मो प्रति आपणकर अतुट प्रेमर प्रमाण महादेव। एहा ही मो पाई सौभाग्यर कथा। आउ सत कथा हैला मु आपणकठ दूरे रही पारिबिनी। दूरे तो मुँह भी तुमठ रही पारिबिनी पार्वती कदापि रही पारिबि नहीं। परंतु तुमर से प्रस्ताव को पूर्ण करने को जदि मु काली जाए आउ फेरिबारे विलंब हुए तेबे मो बिना अनेक समय पर्यंत आपण तो अन्य कोठि रही पारिबेनी। आउ आपण एक परीक्षा नबा पई तो जाउछंती केते बा समय लागिबो पार्वती। परीक्षा नेउथिबा व्यक्ति को भी परीक्षा देबा को पड़िथाय। एथर जदि मु जाए तेबे पुनश्च फेरी आसिबा कदाचित संभव हेबो नाही। काहे कि संभव हेबो नाही महादेव? केबे केबे परीक्षा मध्य लंबा होइथाय आउ प्रतीक्षा मध्य।
जदि आपण परीक्षा नबाकु चाहू नांती तेबे नियंतुनी कोनोसी बाध्यबाधकता नाही मु संतोष हेइ जिबी परंतु मु संतोष हेबी नाही वचन देछि सेथिपाई ताको पूर्ण करिबा अति आवश्यक जेकोनोसी मूल्य रे जेकोनोसी परिस्थिति रे कैलासरे बाळकर पाद चिन्ह ए हिमपूर्ण कैलासकु को बाळक आसी पारे बालक निजर परिचय दियो बालक किए तुम्हें किपरी विचित्र स्वप्न थिला महादेव को मु बाल्य रूप से कहीं देखी आउ एथर जदि मु जाए तेबे पुनश्च फेरी आसिबा कदाचित संभव हेबो नाही महादेव कोठी अछंती आपण महादेव महादेव कोठी अछंती आपण महादेव महादेव एमिति भावरे आपणकर अनायासरे चली जिबा तापरे पुनी आपणकर बाल्य रूपर स्वप्न यार अर्थ कौन मु बुझी पारुनी मो आशंका मो हृदय को भेद करुछि महादेव आपण को गिरिजा एही बिरह पाई प्रस्तुत नुहे महादेव
महादेव पुनश्च विचार करी देखंतु एही घटनाक्रम तीनी लोकर विचार को सर्वदा पाई बदलाई देव। नारायणंकर दश अवतार एवं तांकर लीला समय रे से मनुष्य रूप रे जन्म नहीं तांकर सुख एवं दुख को स्वयं अनुभव करंती, परंतु आपण तो सी जे केबे जन्म ही नहीं नांती जहांकर रंग रूप विचार दिशा दशा सब किछि स्थिर। पार्वतींकर जीवात्मा उपरे एक आवरण अछि अहंकारर आवरण, तेणु तांकर चिंतनर सीमा मोर सनातन स्वरूप को बुझिबा पाई असमर्थ। अन्य पक्षरे माता अनुसायंकर संकल्प आम तीन जन को पुत्र रूप से पाइबा पाई तांकर तप आमे सेथिरे बंधा होई सारिछु। एही दुईटी घटनार गंतव्य गोटी जहाँकि अन्य कहार नुह अपितु शिव एवं पार्वतींकर परीक्षा पुरुष एवं प्रकृतिर संघर्ष। भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि माता। दान स्वीकार। आमे वस्तु एवं पदार्थ संग्रह करे न थाओ दिगंबर परंपरा व्यक्ति आमे आम सर्त सहित आमको भोजन करांतु प्रसन्न है आशीर्वाद देबो। आपण आदेश करंतु यथाशक्ति मु आपण मानंकु संतुष्ट करी एठारु विदा करिबि। भीतरकु आसंतु मु भोजनर व्यवस्था करूछि। पुनः विचार करंतु देवी कारण शर्त पूरण हेबा परे ही आमे भोजन करिबु। आपणमानक भळी महर्षिंकर सेवा करिवार सुजोग मु हरेबाकु चाहुनी। आपण निश्चिंत रुहंतु भीतरकु आसंतु मु भोजनर व्यवस्था करूछि।
साक्षात ब्रह्मदेव मो कुटीरें निश्चय एमाने मोर कौनसी परीक्षा नबाकु आसिछंती। बिना एकाकी केते दिन मु निजर दायित्व बहन करुथिबि महादेव। भगिनी पार्वती केउ चिंतारे मग्न तुमे? किछि त अवश्य अनर्थ हेछि भगिनी लक्ष्मी। कोनोसी अनर्थ होइ नाही, सबो किछि शुभ हेउछि, आमर इच्छा अनुसार ही हेउची। सरस्वती ठीक कहउचंती पार्वती। जदि तुमे ई शर्त रखि नथांत तेबे कोन त्रिदेव भूलोक जाईथांते कार परीक्षा नबा पई। परंतु एमिति आउ नहे त जेनिचर जीति एवं अहंकार रे आमे जणे नारीर अस्मिता को कम करबा को प्रयास करिचु। ये सबु व्यर्थ चिंता पार्वती, आमे कोनोसी भी भूल करिनाहुं। जदि एहा ठीक तेबे बारंबार मो मन विचलित काहेकि होउछि, बारंबार मो मनरे अपराध बोध काहेकि आसुछि, काहेकि भय लागुछि सर्वदा, काहेकि ऋषिगण भोजन प्रस्तुत, आसंतु।